नाउ वी स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर की अगर बेसिक बात रिक्वायरमेंट की बात करें कि रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होती है इलेक्ट्रिक मोटर की डे टू डे लाइफ में, तो आपने कहीं पर भी अगर पंप लगे हुए देखे होंगे, इंडस्ट्री में हो चाहे घर पे हो, तो इस तरह का इक्विपमेंट उसके साथ आपने देखा होगा। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर। दिखने में ऐसी लगती है, ठीक है, यहाँ पर जो शाफ्ट है इसके आगे पंप कनेक्टेड होता है या कोई और डिवाइस है तो वो कनेक्ट होगी। तो ये एक जनरल इलेक्ट्रिक मोटर है जो पंप्स के साथ लगी हुई मिलती है। अब इसके अगर एक एंड से अगर आप इसको खोलते हैं तो ये इस तरह का दिखता है। तो इसके अंदर ये जो आप देख सकते हैं ये क्या है, कॉपर वायर्स की कॉइल्स हैं। ओके, इस कॉइल को काफ़ी ज़्यादा इसमें टर्न्स हैं और इतने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स से क्या होता है ये भी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोटर के अंदर क्या है, बेसिकली बहुत सारी टर्न्स की एक कॉपर की कॉइल है। ठीक है, अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है। अब अगर आपको मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक मोटर पंप में यूज़ होती है तो ऑब्वियसली बात है पंप को घुमाने के लिए यूज़ होगी, क्योंकि पंप रोटेट करेगा, पंप रोटेट करेगा तभी तो पानी आगे उसमें पुश होगा लाइन में। तो ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है इसको कहीं से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उससे यहाँ पे पंप चला रहे हैं। घर में आप फैन चलाते हो तो फैन में इलेक्ट्रिक मोटर होती है। ठीक है, छोटी छोटी डिवाइसेस हैं उनमें इलेक्ट्रिक मोटर होती है, आपकी जो गाड़ी के वाइपर्स हैं उसमें इलेक्ट्रिक मोटर होती है, फिर आप इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर्स यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिक ड्रिल यूज़ करते हो तो ड्रिल में मोटर होती है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक मोटर करती क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, मतलब इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके उसको किसी मैकेनिकल फॉर्म में वो कन्वर्ट करती है, जैसे कि किसी चीज़ को घुमाना है, किसी चीज़ को मूव करवाना है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ कहाँ मिलती है, फैंस में, चाहे छोटे से छोटा पोर्टेबल फैन हो या घर में जो बड़ा टेबल फैन होता है वो हो, या सीलिंग फैन हो, रेफ्रिजरेटर्स में होती है, मिक्सर्स में, वॉशिंग मशीन्स में, ठीक है, कंप्यूटर्स में भी बहुत छोटी छोटी इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं, MP3 प्लेयर्स। तो मतलब इलेक्ट्रिक मोटर इतनी बड़ी से लेके बहुत छोटी भी होती है, तो साइज़ के बारे में भी अब हम बात करेंगे उसके। नाउ इलेक्ट्रिक मोटर्स फॉर्म द हार्ट ऑफ होल होस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस रेंजिंग फ्रॉम डोमेस्टिक अप्लायंसेज सच एज वैक्यूम क्लीनर्स एंड वॉशिंग मशीन्स टू इलेक्ट्रिक ट्रेन्स एंड लिफ्ट्स। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स और लिफ्ट्स में भी बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी होती हैं, वैक्यूम क्लीनर्स में, ठीक है, जो आपकी कार का विंड स्क्रीन वाइपर्स हैं वो किससे चलते हैं, वो भी इलेक्ट्रिक मोटर से चलते हैं। ठीक है, तो ये पहला डायग्राम है, दिस इज द ब्लोअर। ब्लोअर यूज करते हैं ना नहाने के बाद बालों को सुखाने के लिए, वी यूज ब्लोअर। तो ब्लोअर में क्या होता है, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा होगा, मतलब कॉइल लगी होगी जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, तो कॉइल हीट होगी जैसे हीटर में होता है, तो ये हीट अप होगी और यहाँ पीछे एक मोटर लगी है जो इस फैन को घुमा रही है, तो इस फैन के थ्रू हवा जा रही है और वो जब इस गर्म कॉइल के ऊपर से निकलती है तो हवा गर्म होकर निकलती है, तो इससे आपको हॉट एयर मिलती है, तो ये हॉट एयर ब्लोअर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, ये है, फिर दिस इज इलेक्ट्रिक ड्रिल। तो इलेक्ट्रिक ड्रिल है जो पोर्टेबल होती है, एक बार आपने चार्ज कर दिया उसको तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ लगी हुई है, ठीक है, देखो ये इसके बैटरीज हैं, ठीक है, इस कंपोनेंट में आपकी इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉइल्स हैं। फिर जो लॉन में ग्रास कटर होता है, ग्रास कटर घूमता कैसे इतना फास्ट, इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से। फिर अगर हम साइज़ की बात करें तो ये देखिए एक मैच स्टिक है, ठीक है, मैच स्टिक के साइज से कितनी छोटी ये इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पे है, तो मतलब इलेक्ट्रिक मोटर बहुत छोटी भी हो सकती हैं। फिर अब जो हाइब्रिड कार्स की अगर हम बात कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हाइब्रिड कार्स होंगी, तो हाइब्रिड कार्स किससे चलेंगी, जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं, इलेक्ट्रिक कार्स में, या आपने देखा होगा दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस हैं, ठीक है, अब तो बाकी स्टेट्स में भी इलेक्ट्रिक बसेस आना स्टार्ट हो गई हैं, तो इलेक्ट्रिक बसेस में एक बैटरी होती है, ठीक है, और बैटरी होगी जिसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी,
तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कौन करेगा? एक इलेक्ट्रिक मोटर होगी, वो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके इंजन को चलाएगी, ठीक है? तो हाइब्रिड कार्स में भी इलेक्ट्रिक मोटर्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये तो होगी बात कि डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिक मोटर्स हम कहाँ कहाँ देखते हैं। अब पॉइंट ये कि इलेक्ट्रिक मोटर काम करती कैसे है, जब हम उसमें करंट सप्लाई करते हैं तो करंट से होता क्या है रियलिटी में। तो आपने जो एनसीईआरटी में डायग्राम देखा है अपनी बुक्स में, तो वो ये डायग्राम है, ठीक है? कि यहाँ पर ये हमारा सर्किट है, सेल्स लगे हुए हैं, ये की है, इसको आपने कनेक्ट कर दिया तो इसमें करंट जाएगा। नाउ दिस एक्स एंड दिस वाई, ये जो ब्राउन कलर के छोटे छोटे लगे हैं, दीज आर ब्रशेज। और ये जो सेमी सर्कल सा बना हुआ है, ठीक है, एक और ये दूसरा, दूसरी तरफ, दीज आर कॉल्ड स्प्लिट रिंग्स, क्योंकि ये बीच में से कटे होते हैं, ठीक है, इसलिए उनको बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। तो ये दो हैं, एक P और एक Q, तो एक P हो गया और एक Q हो गया। इन स्प्लिट रिंग्स के आगे एक कॉइल कनेक्टेड है इनसे, ठीक है, स्प्लिट रिंग से। तो ये जो ब्रश है ये फिक्स रहता है, तो ये जो एक्सेल है ये घूमेगा, ऐसे घूमे या उल्टा घूमे वो डिपेंड करता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। ये एक्सेल घूमेगा, एक्सेल के साथ ये स्लिप रिंग भी, सॉरी स्प्लिट रिंग्स घूमेंगे। ये जो ब्रशेज हैं ये फिक्स रहते हैं, ठीक है, ये क्वाइल फिर घूमती है। अब ये क्वाइल क्यों घूमती है और कैसे घूमती है, ये नॉर्थ और साउथ हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है। तो इसको समझने के लिए हम ये डायग्राम देखेंगे। अब इस डायग्राम में ये वाला जो पार्ट है ये हमारे स्प्लिट रिंग, ये हो गए ये दोनों ब्रशेज, और स्प्लिट रिंग के साथ आगे हमने एक रेक्टेंगुलर शेप की क्वाइल बनाई हुई है। तो यहाँ पर इसको हमने सिंपली डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए सिंगल क्वाइल ली है। अदरवाइज रियलिटी में क्या होते हैं, बहुत सारे टर्न्स होते हैं, सिर्फ एक क्वाइल नहीं होती, मतलब सिंगल टर्न की क्वाइल नहीं होती, मल्टीपल टर्न्स होते हैं, ताकि जो भी फोर्स लगे वो या जो इफेक्ट आएगा वो काफ़ी स्ट्रांग हो, ठीक है। तो ये हमने लिया। अब यहाँ पर ये आ गया साउथ पोल, ये आ गया नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड चल रही है। तो ये हमारी करंट की डायरेक्शन इस वाले सेगमेंट में, ठीक है। तो अभी हम इस सेगमेंट को कंसीडर करते हैं, दिस वन, ओके। तो इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, मतलब इसके परपेंडिकुलर है, और जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है करंट की डायरेक्शन के, तब उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगती है, ओके। और फोर्स कैसी लगेगी, परपेंडिकुलर। तो हमें क्या करना है, हमें आपको राइट हैंड थंब रूल लगाओ, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो और जस्ट कर्ल करो, किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो अगर आप फिंगर्स को इस डायरेक्शन में रख के जस्ट कर्ल करते हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, यहां से यहां की तरफ, तो जो थंब आएगा वो किसकी तरफ आएगा, ऊपर की तरफ। तो इस पे जो फोर्स लगेगी दैट विल बी पॉइंटिंग अपवर्ड्स, ठीक है। तो अपवर्ड ये फोर्स लगी, तो ये वाला जो कंपोनेंट था वायर का, लूप का, इसको ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है। अब ये वाला जो, अब देखो ये वाला जो कंपोनेंट है दिस वन, इस पे कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, अब जीरो बोल लो, 180 बोल लो, मतलब जीरो या 180 एंगल पे कोई फोर्स नहीं लगती। तो ये जो कंपोनेंट है, ये वाला पार्ट, इस पे फोर्स जीरो है, वैसे ही इस वाले कंपोनेंट पे भी फोर्स जीरो है। तो फोर्स लग किस पे रही है, एक ये कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, इन दोनों पे फोर्स लगती है। अब इस कंपोनेंट पे जब करंट की डायरेक्शन ऐसी है तो फोर्स ऊपर को, अब जब ये करंट घूम के आगे आएगा तो यहां पर करंट की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, तो तब इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो अब फोर्स इस पे डाउनवर्ड लग रही है। तो अब ऐसे समझो कि ये एक, आपको मैंने एक कोई भी एलिमेंट दिया, ठीक है, रॉड ले लेते हैं छोटी सी, यहां से इसको हम ऊपर को पुश कर रहे हैं, यहां से नीचे को पुश कर रहे हैं, तो क्या होगा, रोटेटिंग इफेक्ट जनरेट होगा, क्योंकि यहां से आप नीचे खींच रहे हो, यहां से ऊपर की तरफ कर रहे हो, तो ये रोटेट करना स्टार्ट करेगी,
ठीक है, तो रोटेट किया थोड़ा सा, थोड़ी देर बाद ये ऐसे वर्टिकल होगी, क्लियर। अब जैसे ही ये वर्टिकल हुई, क्या हुआ, इस वाले पार्ट पे, ये एक्चुअली पार्ट क्या था, ये इस तरह का कॉइल थी, तो इस वाले पार्ट पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, इस वाले पार्ट पे नीचे की तरफ फोर्स लग रही है। अब जब ये पार्ट 90 डिग्री घूम के ऊपर आ गया और ये वाला पार्ट 90 डिग्री घूम के नीचे चला गया, अब ये ऐसे हो गए, अब इस पे ऊपर फोर्स लगेगी, इस पे नीचे फोर्स लगेगी, तो यहां पर नेट फोर्स क्या हो गई, जीरो। पहले क्या था, फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस था, तो ये एक टॉर्क जनरेट करती है फोर्स, ठीक है, रोटेटिंग इफेक्ट जनरेट करती है। पर एक ही ऑब्जेक्ट पे उसी एक्सिस पे ऊपर और नीचे खींचा जाए तो नेट कोई रोटेशन नहीं आएगी, क्योंकि सेम एक्सिस पे दोनों फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। इसलिए थ्योरेटिकली स्पीकिंग, जब ये कॉइल 90 डिग्री घूम जाएगी तब ये दोनों फोर्सेस जीरो होंगी, पर ठीक है, पर होगा क्या, उस मोमेंट पे ये जो स्प्लिट रिंग है ये भी घूम रहे हैं, तो स्प्लिट रिंग जब घूमेगा 90 डिग्री तो ये इस ब्रश के साथ कांटेक्ट छोड़ देगा, क्योंकि इसके बीच में गैप है, ठीक है, यहां पर देखा ना, गैप है, ये गैप कितना बड़ा है, ये गैप उतना ही बड़ा है जितना ये ब्रश का साइज है। तो थोड़ी देर घूमने के बाद, अभी तो ब्रश यहां पर ये एक ये था एक ये है, थोड़ी देर बाद ये स्प्लिट रिंग ऐसे आ जाएंगे, ठीक है, और ये आ जाएगा ब्रश, तो ब्रश के साथ कांटेक्ट टूट जाएगा, ब्रश के साथ कांटेक्ट टूट गया तो करंट जीरो होगा, क्योंकि करंट कहां तक जा रहा है, करंट तो ब्रश तक जा रहा है ना, ब्रश अगर इस रिंग के साथ टच करेगा तभी करंट आगे तक जाएगा। तो जब 90 डिग्री घूमेंगी कॉइल तो स्प्लिट रिंग भी 90 डिग्री घूमेंगे और ब्रश के साथ कांटेक्ट टूट जाएगा, उस मोमेंट पे करंट हो गया जीरो। जब करंट हो गया जीरो तो फोर्स भी होगी जीरो, पर जब कोई चीज घूमना स्टार्ट करती है तो एकदम से तो रुकती नहीं, अपने इनर्शिया की वजह से उसमें थोड़ा सा मोमेंटम रहता है। तो ये जो कॉइल है ये 90 डिग्री तक तो आएगी, फोर्स लगी है 90 डिग्री से थोड़ा आगे ये खुद ही चली जाएगी बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया, ठीक है, चाहे करंट जीरो, इनर्शिया की वजह से एकदम से तो रुकेगी नहीं, थोड़ा आगे चली जाएगी। अब जैसे ये थोड़ा सा आगे चली गई, अब क्या होगा, यहां पे ये वाला जो स्प्लिट रिंग पी था ये लेफ्ट एक्स के साथ कांटेक्ट में था पहले, ठीक है, अब ये पी है ये क्यू है, थोड़ी देर बाद ये पी इधर आ जाएगा, अब पी वाई के साथ कांटेक्ट में होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा, यहां से करंट अगर इस तरफ जा रहा था, एक्स वाला यहां से आ रहा है और वाई से वापस जा रहा है, अब जब ये पी वाई को टच करेगा तो उसमें करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। तो ये आपका जो कॉइल थी वो इस पोजीशन पे आ गई है, अब करंट की डायरेक्शन उल्टी होगी, तो ये वाला जो एलिमेंट था जिस पे अपवर्ड फोर्स लग रही थी, अब इस पे फोर्स क्या लगेगी, डाउनवर्ड, और ये वाला एलिमेंट कहाँ है, यहां पे, तो अब इस पे अपवर्ड की जगह अब डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, और ये वाला जो एलिमेंट था इधर वाला जिस पे पहले डाउनवर्ड लग रही थी, अभी 90 डिग्री घूम के थोड़ा आगे जा चुका है, यहां आ चुका है, तो पहले इस पे डाउनवर्ड लग रही थी, अब इस पे अपवर्ड लगेगी, ठीक है, इससे फिर से क्या जनरेट होगा, टर्निंग मोमेंट, और टर्निंग मोमेंट वैसी ही जनरेट होगी जैसी पहले थी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से क्या होता है, ये क्लॉकवाइज घूमता रहता है लगातार, ठीक है, तो बड़ा ध्यान से आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली एक बार समझाया और आपको पूरा मैकेनिज्म यहां पे समझ आ गया होगा, ठीक है, आपको टाइम लगेगा, तो आपको धीरे धीरे समझना है कि यस स्प्लिट रिंग का पर्पस क्या है। तो स्प्लिट रिंग जब 90 डिग्री रोटेट कर जाते हैं उसके बाद वो ब्रशेस चेंज कर लेते हैं, तो पहले ये पी था ये क्यू है और ये एक्स और ये वाई, तो पहले पी एक्स के साथ टच कर रहा है, 90 डिग्री घूमने के बाद पी वाई को टच करेगा तो करंट की डायरेक्शन लूप में उल्टी हो जाएगी। पर वो इस तरह से डिजाइन किया गया है सिस्टम कि उस केस में भी जो टर्निंग मोमेंट या टॉर्क जनरेट होगा वो इसको उसी डायरेक्शन में घुमाता रहेगा जो पहले डायरेक्शन थी इसकी रोटेशन की, तो उससे ये कॉइल लगातार घूमती रहेगी, ठीक है।
तो अब ये बोलते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूसेस अ टॉर्क विच टर्न्स द डीसी मोटर. तो ये डायरेक्ट करंट है, एसी करंट नहीं है, इस इज डीसी करंट. ठीक है, तो ये घूम रहा है, तो ये घूम रहा है, इस कॉइल के साथ कौन लगा हुआ है, कॉइल के साथ लगा हुआ है ये एक्सल. तो कॉइल घूमेगी तो एक्सल भी घूमेगा, एक्सल घूमेगा तो उसे एक्सल के साथ आगे पंप लगा दो, कोई और चीज लगा दो, फैन लगा दो, वो भी घूमेगा. ठीक है, तो ये है हम कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके हम एक मैकेनिकल एनर्जी रोटेशन जनरेट कर रहे हैं, उस रोटेशन से आगे आप जो मर्जी घुमा दो. ठीक है, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ डीसी इलेक्ट्रिक मोटर. ठीक है, तो आई थिंक इतना बात क्लियर है. अब इसको एक दो बार अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ लो, एक दो इसके ऊपर कुछ वीडियो लेक्चर कोई और एनिमेशन टाइप की मिलती है तो आप उस तरह से देख सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. यू कैन इजीली स्टेट दैट, कोई बड़ी बात नहीं है. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर. तो इलेक्ट्रिक मोटर में हम क्या करते हैं, हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को यूज करते हैं. ठीक है, तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स को या मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगती है उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो उस फोर्स की वजह से रोटेटिंग इफेक्ट उस पर आए और वो घूमता रहे, यही उसका प्रिंसिपल है. थर्ड, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर. स्प्लिट रिंग क्या करते हैं, स्प्लिट रिंग थोड़ी देर के बाद ब्रशेज चेंज कर देते हैं तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है पूरे लूप में, तो ये एज अ कम्यूटेटर काम करता है. ठीक है, तो इसकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. वी विल राइट इट डाउन कि व्हाट इज एग्जैक्टली द रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग, जो कहानी आप डायरेक्टली एग्जाम में जाके लिख सकते हो. ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन.